भिवाड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा लगाने को लेकर आजादी के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में भव्य तिरंगा यात्रा मेला ग्राउंड मनसा चौक से शुरू होकर सांसद सेवा केंद्र रिको चौक तक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों वाहनों में लोग तिरंगा लेकर खड़े हुए थे तो और कुछ वाहनों में भारत माता की पोशाक पहनकर अलग ही छटा देखने को मिल रही थी। तो वहीं इस अवसर पर सांसद सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलवर के लोकप्रिय सांसद कैबिनेट मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र सिंह यादव, अलवर के लोकप्रिय विधायक एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा, तिजारा के लोकप्रिय विधायक महंत बाबा बालकनाथ जी योगी, एसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशन मेघवाल, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, पूर्व विधायक प्रत्याशी आदि कई लोग उपस्थित रहे। तो सहज रूप से मेरे मन में भी ये विचार आया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माँ के नाम से पौधा लगाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि हिंदू संस्कृति में पूरे देश के अंदर चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, ईश्वर के बाद यदि किसी को पूजा जाता है तो हमारे घर में माता और पिता को पूजा जाता है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक पौधा जब माँ के नाम लगेगा, माँ जीवित है तो माँ के साथ लगेगा, माँ का स्वर्गवास हो गया तो माँ के चित्र के साथ लगेगा, तो वो लगाने वाला व्यक्ति भाई बहन उस पौधे को जिस प्रकार से माँ हमारा लालन पालन करती है उसी प्रकार से उस पौधे का लालन पालन करके आने वाले समय में वो पौधा आने वाले समय में वृक्ष बने और जो सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं उसका आह्वान हम सबको उन्होंने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तो संपूर्ण राजस्थान की जनता को दिया है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में और केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में संपूर्ण अलवर जिला, संपूर्ण राजस्थान स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है वो हम लोग पहले भी मनाते आए, लेकिन ऐसा क्या था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, संपूर्ण देश की जनता को आह्वान किया कि तिरंगा रैली हमको। मैं चाहूंगा भाई संदीप दायमा जी बैठे, मैंने पहले भी कहा था कि बाबा मोरराम के आसपास की जो पहाड़ी है, डॉक्टर रूप सिंह जी बैठे हैं, हमारे सरपंच साहब जी भी बैठे हैं, उस पहाड़ी के ऊपर दिवाड़ी के लोग संकल्प लेकर के एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और वन विभाग की तरफ से भी हम पूरी समर्थन और मदद देने का काम करेंगे। आज तिरंगा यात्रा के अवसर पर मैंने भिवाड़ी के अपने सांसद सुविधा केंद्र का भी प्रारंभ किया है। ये सब आपकी ताकत के साथ ही संभव हो पाया है। मैं चाहूंगा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक पूरे दिन ये कार्यालय आपकी सेवा के लिए रहेगा। देश भर में मेरा जाने का और काम करने के लिए मुझे लगातार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में मेरा संपर्क ना छूटे, मेरा संवाद ना छूटे। अभी भी कल मैं महाराष्ट्र से कल विश्व हाथी दिवस था, उससे रायपुर और रायपुर से रात को आने के बाद मैं तिरंगा यात्रा में आपके दर्शन के लिए आया हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखना और ये मान करके चलना कि अलवर और अलवर का विकास ये हमारी प्राथमिकता का विषय रहने वाला है। और इस बार भी बजट के अंदर हम दिवाड़ी के एसटीपी के लिए और पैसा लेकर के आए हैं। हम दिवाड़ी में गर्ल्स हॉस्टल के लिए महाराज जी यहाँ बैठे हैं, उनकी अनुशंसा पे हॉस्टल के लिए भी पैसे आए हैं। दिवाड़ी में स्किल को लेकर के भी काम होने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं लगातार आने के बाद दिवाड़ी में जो पानी की समस्या उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। डीआरसीपी की योजना में हमारे अलवर का ये वाला जो हिस्सा विशेष रूप से बैरोड और खैरतल नहीं था।